एक वक्त का किस्सा है, एक गांव में एक फैमिली रहती थी। अरे मीठे के अब्बा, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ ताकि मैं खाने के लिए कुछ पका लूं। बेगम तू क्यों जुल्म करती है इस बूढ़े इंसान पर? गर्मी में अगर मैं बाहर निकला तो सब्जी की जगह मेरी लाश वापस आएगी। अच्छा आप रहने दो, मैं मीठे से मंगवाती हूँ। अरे ओ मीठे बारा। फिर मीठा बाहर आता है। हाँ मैं बोल, क्यों बुलाया है बाहर? मीठे बाजार जाओ और सब्जी लेकर आ। अम्मा तू अब्बा को बाजार भेज दे, इस गर्मी में मेरा रंग काला हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे हुसन में थोड़ी सी भी कमी आ जाए। मीठे शर्म कर, बूढ़े बंदे को बाजार भेजेगा? चल जा बाजार से सब्जी लेकर आ। अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो पानी की बोतल ले जा, जब गर्मी महसूस हो तो रास्ते में पानी पीता जाए। अच्छा अच्छा जाता हूँ। फिर मीठा पानी की बोतल लेकर घर से निकलता है और थोड़ा आगे आता है। यार इस गर्मी ने तो जान निकाल दी है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और पानी भी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लगी है। फिर मीठा दरख्त के नीचे बैठा पानी पी रहा होता है तो उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। आए कोई पानी पिला दे, मर गया मैं इस गर्मी से। ओ बुड्ढे रुक, मैं आता हूँ, तू भी क्या याद करेगा, मैं तुझे पानी पिलाता हूँ। फिर मीठा उस बूढ़े आदमी के पास आता है। ले बुड्ढे पी ले पानी और अपनी प्यास बुझा ले। फिर वो बूढ़ा आदमी पानी पीने लग जाता है। बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे पानी पिलाया, लेकिन लगता है मेरा टाइम पूरा हो गया है, मैं अब नहीं बचूंगा। मैं हूँ बूढ़ा, तू है जवान है, टोपी कर दे अपना काम। ओ बुजुर्गो, डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, मेरी एक बात गौर से सुन। मेरे पास एक जादुई टोपी है, उससे तू तीन काम ले सकता है। मैं हूँ बूढ़ा, तू है जवान है, टोपी कर दे अपना काम। ओ बाबा तू क्या बोल रहा है बार बार? बेटा बात सुन, टोपी पहन कर मंत्र पढ़ना और जब वो तीन काम हो जाए तो टोपी जला देना। पर बाबा जी मंत्र तो बताओ। बेटा वो मंत्र है। हाँ बाबा जी बोलो, क्या मंत्र है? वो मंत्र है। हाँ जल्दी बोलो बाबा जी। वो मंत्र। बाबा मंत्र बताए बगैर ही मर जाता है। ओ यार बाबा तो मंत्र बताए बगैर ही मर गया। फिर मीठा टोपी लेकर एक जगह पर बैठा होता है तो बिट्टू वहाँ आता है। मीठे भाई खैर तो है, आप परेशान लग रहे हो, और ये इतनी गंदी टोपी पकड़ी हुई है आपने अपने हाथ में। और मोटे पेट वाले गेंडे, तू पागल तो नहीं हो गया? ये गंदी टोपी नहीं है, ये जादुई टोपी है। क्या मीठे भाई, इतनी गंदी टोपी भी कोई जादुई टोपी हो सकती है? हाँ सच में ये जादुई टोपी है। अच्छा ऐसा है क्या? चलो मीठे फिर इस टोपी को बोलो कि मुझे खूबसूरत और जवान लड़का बना दे। हाँ बना देता तुझे जवान और खूबसूरत, पर इस टोपी का मंत्र नहीं पता मुझे। मोटे ये टोपी मुझे एक बाबा जी ने दी है, पर एक गड़बड़ हो गई, वो बाबा मंत्र बताए बगैर ही मर गया। पर मीठे भाई, बाबा जी ने मरते हुए कुछ बोला तो होगा? हाँ बोला तो था, मैं हूँ बूढ़ा तू है जवान ऐ टोपी कर दे अपना काम। ये पढ़ते ही टोपी चमकती है। मीठे भाई टोपी ने काम करना शुरू कर दिया, लगता है यही मंत्र है, अब जल्दी से इसे पहन कर बोलो कि मुझे खूबसूरत और जवान बना दे। फिर मीठा टोपी पहन कर मंत्र पढ़ता है। मैं हूँ बूढ़ा तू है जवान ऐ टोपी कर दे अपना काम और बना दे बिट्टू को खूबसूरत और नौजवान। ये पढ़ते ही बिट्टू खूबसूरत नौजवान बन जाता है। वाह मीठे भाई ये तो कमाल हो गया, अब मैं हो गया हूँ जवान, मैं चलता हूँ अपने घर और करता हूँ अपनी बेगम को हैरान। फिर बिट्टू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है तो नसीबो आती है। ये क्या मीठे, मुझे भी बिट्टू रास्ते में मिला था, वो एकदम खूबसूरत और नौजवान हो गया था। उसको मैंने बनाया है खूबसूरत और नौजवान। वो कैसे बढ़ाया मीठे, ज्यादा झूठ मत बोला कर। मेरे पास जादुई टोपी है। मीठे इतनी भी मत छोड़ा कर, ये इतनी गंदी टोपी जादुई कैसे हो सकती है? ज्यादा मत बोल इस टोपी के बारे में, अगर यकीन नहीं है तो यहाँ से निकल और घर जाकर झाड़ू पोछा लगा। क्या रे मीठे, तू क्या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाता है, अब
मैं क्या अपने होने वाले खसम से मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मैं भी तो अपने होने वाली बीवी से मजाक कर रहा था। अच्छा ऐसा है क्या? चल मिठे फिर मुझे अंजलिना जूली बना दे। नहीं रे, तुझे अंजलिना जूली नहीं बना सकता। वो बनने के बाद तू मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाएगी। कुछ और बोल। चल मिठे फिर मुझे जल परी बना दे। नहीं रे, वो भी मैं तुझे नहीं बना सकता। तुझे जल परी बनाकर क्या तेरे साथ दरिया में तैरता फिरूंगा? कुछ और बोल। वो अभी बातें कर रहे होते हैं तो एक नशेई वहाँ आता है। क्या वस्तु सभा है, झूम रहा ये पूरा जहाँ है, पिला दे साके बदकर मेरे साथ जाते। मिठे ये क्या बोल रहे है? नसीबो ये मेरा दोस्त है, नशा कर कर के इसकी पागलों वाली हालत हो गई है। तेरा काम मैं बाद में करूँगा, पहले इसे ठीक कर दूँ। मिठे तू पहले मेरा काम कर, मुझे कुछ नहीं पता। चल तू मेरे बाप के पाँव ठीक कर दे। नसीबो देख, ये टोपी 3 काम कर सकती है, उसके बाद ये बेकार हो जाएगी। एक काम बिट्टू का हो गया है, एक काम इसका कर देता हूँ, फिर एक काम तेरा कर दूंगा। नहीं मिठे, तू मेरे बाप के पाँव पहले ठीक कर। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। फिर मीठा टोपी पहनकर मंत्र पढ़ता है। मैं हूँ बूढ़ा, तू है जवान, है टोपी, कर दे अपना काम, कर दे नसीबो के बाप के पाँव ठीक और बना दे इस नशेई को शरीफ इंसान। बेटे नशा करना बहुत बुरी बात है, तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू कभी नशा वगैरह मत करी। चल मैं अब चलता हूँ। फिर वो नशेई वहाँ से चला जाता है तो नसीबो कहती है, वारे मिठे मार गई तेरी जादू टोपी का कमाल, लगता है मेरे बाप के पाँव ठीक हो गए होंगे, मैं चलती हूँ। फिर नसीबो वहाँ से चली जाती है तो वहाँ एक गंजा आदमी आता है। बेटे ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तेरे पास जादुई टोपी है? बिट्टू ने मुझे बताया है मेरे टेंड होने की वजह से कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा, मेरे लिए लगाई का बंदोबस्त तो कर दे। इतने में बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। ओ मीठे भाई मसला हो गया, मेरी बेगम तो मुझे पहचान ही नहीं रही। मीठे भाई आपको आपकी अम्मी की कसम मुझे पहले जैसा बना दो। ओ बिट्टू एक ही जादू बचा है इस टोपी में, तेरी बात मानू या इस गंजे की बात मानू या अपने लिए कुछ रखूं? नहीं बेटे तो मेरी लगाई का बंदोबस्त कर वरना मैं कवारा ही मर जाऊंगा। नहीं मीठे भाई आप मेरा काम करो। तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। फिर मीठा मंत्र पढ़ता है। मैं हूँ बूढ़ा, मीठे पहले मेरे लगाई का करे। भाई साहब आप चुप हो जाओ, ऐसा ना हो मीठे भाई से मंत्र गलत हो जाए। फिर मीठा टेंशन में मंत्र पढ़ता है। मैं हूँ बूढ़ा, तू है जवान, एटोपी कर दे अपना काम, बना दे बिट्टू को पहले जैसा इंसान और गंजे की लगाई का कर दे बंदोबस्त और कर दे इसको हैरान। बिट्टू पहले जैसा हो जाता है और मीठा लुगाई बन जाता है। हैं ये मैं क्या बोल बैठा, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। चल मेरी लुगाई मेरे साथ। ओ मैं तेरी लुगाई नहीं हूँ, मैं मीठा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो गंजा जबरदस्ती मीठे को वहाँ से ले जाता है और बिट्टू हंस रहा होता है मीठे के गलत मंत्र पढ़ने पर। नाजरीन मेरे चैनल को लाइक कमेंट और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।